नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका माड़ी आसुची महावात्या अम्फन एहाबे पारादीप ठारु 570 किलोमीटर दक्षिण को रहिछि सेहिपरि पश्चिमबंगर दीघाटारु 720 किलोमीटर दूर रहिछि घंटा प्रति 14 किलोमीटर बेगरे उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिगरे आत्या वर्तमान एहार बेग घंटा प्रति 240 रु 250 किलोमीटर रहिछि धीरे धीरे प्रकोप कमिबो एवं अम्फान अति भीषण सामुद्रिक बात्यारे परिणत हेबो काले अपराह्नरु संध्या भितरे पश्चिमबंगर दीघा एवं बांग्लादेशर हातिया मध्यरे थिबा सुंदरबन निकटरे स्थलभाग छुइबो बात्या सेतेबेलकु पवनर बेग घंटा प्रति 165 रु 175 किलोमीटर रहिबो एवं स्थल विशेषरे पवनर बेग 195 किलोमीटर छुइबो बात्या जोगु उपकूल एवं उत्तर ओडिशा प्रभावित हेबार आशंका रहिछि पुरी खोर्धा कटक जाजपुर में पवन बेग 55 रु 65 किलोमीटर पर्यंत रहिबो उपकूल में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही विशेषकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर और मयूरभंज जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबो सेहिपरि पुरी और खोर्धा जिले में मध्य प्रबल वर्षार आशंका रही आसंता काली उत्तर ओडिशा रे काली पवन बेग घंटा प्रति 75 रु 85 किलोमीटर रहिबो समय समय यह 95 किलोमीटर छुईब यह आखिआगे रखी राज्य सरकार बालेश्वर को रेड जोन परिसरभुक्त कर अधिक सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करत्यस्थलभाग को छुईवा बेले 6 मीटर उच्चर जुआर उठिबो कच्चा घर सब क्षतिग्रस्त हेब टेलीफोन एवं विद्युत खुंट उपुड़ी पड़ संभावना अछि बड़ बड़ गछ मध्य भांगिजार आशंका रही बात्या प्रभाव रे आज संध्यारु उपकूलवर्ती अंचल किछि स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा आरंभ होई पारे खोर्धा एवं पुरी जिले रे स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा हेबो काली उत्तर ओडिशा रा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर केन्द्रापड़ा एवं केन्दुझर जिले रे स्थाने स्थाने अति प्रबल वर्षा हेबो सेहिपरि आज उत्तर ओडिशा उपकूल रे घंटा प्रति 55 रु 65 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो हेले काली सकाळ सुद्धा पवन रे बेग भयंकर भाबे बढ़िबो जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जिले में घंटा प्रति 75 रु 85 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब परवर्त समय पवन बेग वृद्धि पाई उत्तर ओडिशा उपकूल में घंटा प्रति 110 रु 120 किलोमीटर रझे मझे तीव्रता 135 किलोमीटर छुईब से पुरी खोर्धा कटक जाजपुर जिले में पवन बेग 55 रु 65 किलोमीटर र तो पाणीपाग निश्चित भाव में किभल रहा बात्यार वर्तमान स्थिति कौन ए संपर्क अधिक अपडेट में वर्तमान जोड़ी होती हम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बल शुभलक्ष्मी वर्तमान लाटेस्ट अपडेट कौन आस देखो आम कहीपर धीरे धीरे बात्या अम्फन स्थलभाग को निकटतर होबार लगी आपड़ कहते पारादीप ठार बर्तमान जदि आम देखा 570 किलोमीटर दूर बर्तमान तार अवस्थित रही धीरे धीरे स्थलभाग मुहाँची जहाँ पाणीपाग केन्द्र सूचना रही आज अपराह्न सुधा आम जब देखा वर्षा राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ हो रही 20 तारीख अपराह्नरे स्थलभाग अतिक्रम कर पश्चिमबंग आउ बांग्लादेश मध्यवर्ती अंचल सुंदरबन निकटरे ताहा स्थलभाग छुईबो बोली कहा जाउछि वर्तमान ए जो सुपर साइक्लोन बा महावात्या आमे कहि पारिबा समुद्र भितरे रहिछि वर्तमान तार पवन रो बेग जदि आमे देखिबा 240 रु 250 किलोमीटर बेगरे पवन रहिछि किंतु जेतेबेले स्थलभाग छुईबो से समय रे धीरे धीरे बात्यार बा सुपर साइक्लोन जदि आमे कहिबा तार तीव्रता बा गभीरता धीरे धीरे कम रहिबो अर्थात एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हम जिते स्थल भाग छुईब आ समय जी आम देखा पवन रेग 110 रु 120 किलोमीटर रहीबार जहाँ पूर्वानुमान करणिपा केन्द्र समय समय ता 135 किलोमीटर मध्य रही पारे पवन रेग तो यह आम जब देखा विशेष करी आम उपकूलवर्ती अंचल जो जिला गुड़िक रही बालेश्वर भद्रक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज ए जिला गुड़िक सतर्कता अवलंबन कर कारण प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही सहित पवन रेग अधिक रही सतर्कता अवलंबन करपटे आम जब देखा समुद्र अशांत रही समस्त बंदर गुड़िक जदि आम देखा 4 नंबर विपद संकेत जारी करा कर सहित मत्स्यजीवी
सतर्कता जारी करा जाए समुद्र भितर को न जीवापाई कारण जेहेतु समुद्र अशांत रही सहित जुआर आसवर संभावना रही जहाँ कहुची जहाँ पूर्वानुमान कर 6 मीटर उच्चर जुआर आसीपे तो जहाँकि अनेक क्षति करें जेहेतु एत उच्चर जुआर आसूरी तो से सतर्कता कहुई समस्त जिलार जिलापाल मानू सजग रहा निर्देश दि जाए आम जदि देखा उपकूलवर्ती जिला गुड़िकरे विशेषकर अधिक बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही आसंता काली सका अर्थात 20 तारीख रु आम जदि देखा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही जो निश्चित भाव में शुभलक्ष्मी पानीपाग विभाग पक्ष निश्चित भाव स्पष्ट भाव कौन कहु वर्षा केत आरंभ हो बर्तमान जो अम्फान केते किलोमीटर बेगर गति करुछि देखो तो वर्षा कथा जमी कहते आम आज सका देखुची पागरे परिवर्तन धीरे धीरे आम अनुभूत करुच्छू आज अपराह्नु वर्षा आरंभ होकूलवर्ती जिला गुड़िकर आसंता काली सका वर्षार परिमाण आहुरी अधिक बढ़िबो वर्षा सहित पवन रेग अधिक रही आज आम जदि देखा किसी स्थान स्वल्प रु मध्यम धरण वर्षा संभावना रही सहित 45 रु 55 किलोमीटर समय समय ता 75 किलोमीटर पर्यंत जापे पवन रेग आ सहित वर्षा हो पाए किंतु आसंता काली अर्थात 20 तारीख सका आम जदि देखा वर्षार परिमाण अधिक रकूलवर्ती जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही सहित पवन रेग अधिक रही विशेषकर उत्तर ओडिशा जेहेतु ए उत्तर ओडिशा उपकूल देखि अतिक्रम कर उत्तर ओडिशा सतर्कता जारी करा बालेश्वर भद्रक यही जिला गुड़िकर मयूरभंज जदि देखा सतर्कता जारी करा कारण स्थलभाग छुईब से पश्चिम बंग आउ बांग्लादेश मध्यवर्ती अंचल ता उत्तर उपकूल ओडिशा दे कि गति कर तो से जिला गुड़ी को सतर्कता अवलंबन ओड्राफ कहतु एनडीआरएफ अग्निशम विभाग टीम मध्य प्रस्तुत रही संपृक्त जिला गुड़ी को पठा जा सारी कारण जो बात्या आश्रयस्थल लोक मैंने जो तलिया अंचल रही जो मैंने प्रभावित हो पारती तो से स्थानातरित बर्तमान कर सुरक्षित स्थान को जेभली भाव कौन सी प्रकार जीरो काजुआलिटी को जेहेतु मुख्यमंत्री प्राधान्य देते ये जो महावात्यापर ता समस्त नजर रही कि कौन सी गोटे भी प्राणहानि न घटू से समस्ते सजग रही प्रशासन कहतु सजग रही पाणीपाग केन्द्र पक्षर मैं टिकनिक नियमित भाव यही बात्या उपरे नजर रखा जा तार गतिविधि कौन रोचे किभली कारण बर्तमान ता उत्तर उत्तर पूर्व दिगक गति करुच्ची आउ घंटा प्रति जहाँ पाणीपाग केन्द्र सूचना दे घंटा प्रति 17 किलोमीटर बेगर बर्तमान ता गति करुच्ची आसंता काली अपराह्न सुधा स्थलभाग निश्चित भाव धन्यवाद शुभलक्ष्मी आपण समस्त सूचना संभाव्य बात्या अम्फान को नहीं सजग केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन समुद्र उपकूलवर्ती गांव गुड़िकर लोक स्थानातर प्रक्रिया आरंभ कर राजनगर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल पेंठ प्रसन्नपुर तालचुआ बाघमारी डंगमल आदि विभिन्न पंचायत में 500 रु अधिक लोक स्थानातर कर बात्या आश्रयस्थल को अणाई मुकाबला 2 टी एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम विभाग सजग रही डाकबाजी जंत्र जगे तलिया अंचल प्रचार कर सहित मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितरक जवाक मना कर बात्या मुकाबला केन्द्रापड़ा दायित्व में आईएएस हेमंत शर्मा जिलार वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना कर चाड़छपर घर एवं कच्चा घरे तलिया अंचल न रहिबाकु प्रशासन पक्ष तो निश्चित भाव में जिला प्रशासन किभली रही प्रस्तुति कौन कौन सब पदक्षेप नि विस्तृत भाव में अधिक आलोचना करने आम सह जोड़ी होती कैलाश साहू आम प्रतिनिधि कैलाश आ भितर आम देखूँ अनेक बात्या को आम सामना करे बात्या मुकाबला क्षेत्र में आम जथेष अभिज्ञता रही राज्य सरकार कहतु कि राज्यवासी बात्या आमपाई नुआ नईपे कि आमपाई परिस्थित बर्तमान होवा जानवाक चाहबु कि केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन प्रस्तुति किभली रही किभली तैयारी रही हाँ निहाती भाव में जब कह सर रही संभाव्य बात्या अम्फन को नहीं जिला प्रशासन जोरदार प्रस्तुत करवे जो रही उपकूल अंचल होती केन्द्रापड़ा जो अधिकांश अंचल निकट समुद्र तटवर्ती अंचल रही तेणुक जिला प्रशासन पक्ष कि भाव में सतर्कता अवलम्बन कर घन घन बैठक कर सहित जो रही नदीकूलिया लोक रही डाकवाज जंत्र जगे सतर्क सूचना दि जाऊँगी जो रही जहाँ रही पखापाखी 70,000
ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଗାଁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି, ସେ 170ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 70-80 ହଜାର ଲୋକ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ନିକଟତର ଗାଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଖାପାଖି ରାଜନଗରର ଯେଉଁ ରହିଛି ପେଣ୍ଠ, ପ୍ରସନ୍ନପୁର, ଡାଙ୍ଗମାଳ, ଯେଉଁ ସାତବାହୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେରିକା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଯାହା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ 2ଟି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜନଗର ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 70-80 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ, ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଳ ଛପର ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଟାଇଲ ଘର ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଞ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ସେ ଯଦି କହିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତା, ସୋର, ସଦର ବାଲିଆପାଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ଭୋଗରାଇରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 8ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 5ଟି ବ୍ଲକର 1300 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 80 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପାଣିପାଗ ଦେଖେଇବି। କାରଣ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଗର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ପାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯଦିବା ସେଭଳି କଳା ମେଘ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ଖରା ନାହିଁ ସକାଳଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯଦିବା ପବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖା ଦେଇନାହିଁ ଜୋରରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆକାଶ ଘଟିବା, ମେଘ ଘଟିବା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପାଣିପାଗର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆଜି ସକାଳଠୁ, ଯାହା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, 6ଟି ଜାଗାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି, ତାପରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପଠାଯାଇଛି। ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟା ଭୋଗରାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦୀଘା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଠି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଛ ପଡ଼ିବା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ ଅଛି ସେ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଭୋଗରାଇ ପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବାଲିଆପାଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ ଯେ ସେମାନେ ବାଲିଆପାଳରୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ଜାଗାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 2ଟି ଟିମ୍, ଗୋଟିଏ ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି,
से अंचल अच्छी आ गोटे टीम टाउन रखाई जेहेतु सहरा गच पड़ पाए तार विद्युत तार छिड़ पड़े विद्युत तार सरबराह बंद हो जाए जदि से परिस्थित हो तेल अफिस् गुड़िक चली पार ना तेणु ए सब दृष्टि टाउन गोटे एनडीआरएफ टीम रखाई और अग्निशम पक्ष आठटी जगह संवेदनशील जगह चिन्हट कर जो जगह प्रभावित हो साधारण समुद्र कूलिया अंचल जो गुड़ रही है आठटी टीम तर से पहुंचती जड़े अपरेसनाल इनचार्ज आँचे जी कटक रु आँच जन अपरेसनाल इनचार्ज अच्छा सी तदारख कर तेणु ये हूँ जो रेस्क्यू टीम रहा सहित प्रशासन लोक रेस्क्यू आरंभ कर जो भाई लक्ष्य रखाई प्रथम पर्यायर 80,000 लोक और आवश्यक पड़े 2,00,000 लोक स्थानातर तेणु ताकि दृष्टि रखी गत का राति संध्या पाखु एने आरंभ कर लोक रेस्क्यू किभली भाव में आरंभ कर सब भितर किसी लोक जेहेतु का ना देखा मिलूला जो प्रभाव जो बर्षा रही कौन मेघुआ पाग पवन एसब देखा मिलूला तेणु अधिकांश लोक जो घर बाहर नापी बात्या आश्रय को राजी हो नुले कि कहुला से किसी लोक जहाँ सूचना अच्छी पांचटी ब्लक 1300 लोक 1300 अधिक लोक स्थानातरण किंतु आज लक्ष्य रखा जाइए मध्यान सुधा अपराह्न सुधा सब लोक स्थानांतरीकरण जहां सूचना नौ कल जिला जरूरकालीन अधिकारी कहते हैं इंस्ट्रक्शन बर्तमान रेड जोन अच्छी प्रशासन पूरा पूरी प्रस्तुत रही अधिक अधिक जो तलिया अंचल लोक मैंने कि इवाकुएट कर बात्या आश्रयस्थल रखा से नहीं पूरा पूरी सजग रही जिला प्रशासन तेज सत्यजीत आप लगातार खबर पर नजर रखि था परवर्त समय आसबु और अधिक अपडेट नबु धन्यवाद सत्यजीत आप समस्त सूचना तेरे बंगोपसगर सृष्ट महावात्या अंफन एवं ओडिशा उपकूल निकटतर होर प्रभाव में उपकूलवर्ती जगत सिंहपुर जिले में प्रबल वर्षा पवन बहबार संभावना अच्छी माटिकांथ चाराछपर घर तथा गच भांगार जथेष संभावना रही आखिआगे रख जिला प्रशासन पक्ष उपकूलवर्ती तलिया अंचल लोक स्थानातरित करने कार्य आरंभ हो गतका राति पारादीप मधुबन स्थित बंगालीपड़ा और जगन्नाथ कलोनी अंचल प्राय 400 लोक निकटस्थ बात्या आश्रयस्थल स्थानातरित कर आज मध्यान सुधा पारादी फेरसमा कुजंग बालिकुदा ब्लक तलिया अंचल लोक स्थानातरित हो जिलापा कहते तो वर्तमान जिला प्रशासन किभली रही प्रस्तुति इवाकुएट केते लोक से संपर्क में सविशेष तथ्यपाई सीधासख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि पिनाकी महंती पिनाकी वर्तमान जिला प्रशासन डबल चैलेंजेस गोटेपटे प्रवासी माने क्वारंटाइन सेन्टर रोचार कोविड मुकाबला चली अनेपटे वर्तमान बात्या चिंता तो प्रशासन प्रस्तुति संपर्क में कौन कह चाहिए वर्तमान किभली प्रस्तुति रही केते लोक इवाकुएट करनी कौन रही सविशेष सूचना देखते निश्चित भाव में बर्तमान जो भाई भाव कोरोना महामारी जो भाई गोटे बर्तमान रही परिस्थित से परिस्थित जी देखा गतका 20 पॉजिटिव चिन्हट होते कितु से गोटे पटे रही बेले बर्तमान बात्या बर्तमान अम्फन बर्तमान गोटे बर्तमान सब आगे चिंतार कारण है जहाँफल की जिला प्रशासन गोटे पटे कोरोना और अम्फन दीटा जाक कि भाव चैलेंज तो मुकबिला कर समन्वय रखा जा पार कारण से गुरुत्व देवार अच्छी और अम्फन रुकबिला कर तेनाली जिला प्रशासन पक्ष समस्त प्रस्तुति सरी देखा गले आम जगत सिंहपुर जिले में जी जहाँ पापा पक्ष जहाँ सूचना मिलू जो चार कथा ब्लक तीन ब्लक और गोटे म्युनिसिपाल एरसमा बालिकुटा और कुजंग ब्लक पारादीप म्युनिसिपाल जेहतु यही जो अंचल पाखापाखि जो समुद्र कूल जो 5 किलोमीटर रेडियस अच्छी से लोक मैंने प्रभावित हे जो गोटे प्राथमिक आकलन कर 56 पंचायत पाखापाखि 262,000 लोक प्रभावित हे किंतु जहां आम पाखे सूचना अच्छी गत काली जो वरिष्ठ आईएएस जे हेमंत शर्मा जगत सिंहपुर जिला गस्तर आसी बात्या कोरोना नहीं समीक्षा करते से समीक्षा बैठक में जहाँ पर जहाँ सूचना मिलता जो पाखापाखि 1,00,000 लोक स्थानातरित कारण जो मैंने समुद्र पाखापाखि तटवर्ती अंचल अच्छा देखा गले बस्ती अंचल हूँ किटी घर कचा घर यही सब जो लोक अच्छा सेना स्थानातरित देखा गले जो प्रक्रिया गत काली संध्या तथा राति आरंभ हो कारण पूर्व प्रशासन पक्ष माइक जगे प्रचार कर सब अंचल प्रचार कर लोक मैंने निज इच्छा कारण सचेतन अच्छा लोक मैंने से आत्या आश्रयस्थल को आसते गत काल देखा जी पारादीप मधुबन पाखे जो आत्या आश्रयस्थल पाखे 400 ऊर्ध लोक अच्छा जहां से जिला पाला सूचना दूसरे जे आज सका ये प्रक्रिया आरंभ हो मध्यान सुधा
स्थानांतरित करिया प्रक्रिया को शेष करा जीवो से जहाँ कहते कारण दिन को दिन जब देखा संध्या पर यार प्रभाव अधिक रहिब एवं पवन वर्षा तार जो बेग पवन बढ़िब एवं वर्षा बढ़िब से जिला प्रशासन पक्षर यह सब प्रस्तुत करेंगे आम अपरपक्ष कह जो एनडीआरएफ ओडराफ और अग्निशम विभाग कथा एनडीआरएफ टीम पारादीप अच्छा ओडराफ दुईटा टीम पारादीप अच्छा ता सहित फायर टीम अच्छा कारण पारादीप बंदर हूँ विभिन्न इंडस्ट्री फायर टीम प्रस्तुत अच्छा एर समय फायर टीम आउ ओडराफ टीम अच्छा आउ कुजांग फायर टीम और ओडराफ टीम अच्छा बालिकुदार फायर टीम ओडराफ टीम अच्छा जगतसिंहपुर ओडराफ टीम अच्छा जिला को पांचटे जिला आठटी ब्लक आठटी जो आम रही अग्निशम विभाग रही है बेले बर्तमान कंधमाल दुईटा बरगड़ दुईटा और बौद्धर गोटे समस्त पांचटा अधिक अग्निशम विभाग जो टीम आसी पहुंची से 50 और जगतसिंहपुर 100 समस्त 150 अग्निशम विभाग अधिकारी बर्तमान कर्मचारी बर्तमान संपूर्ण भाव प्रस्तुत होकर अच्छा जिला प्रशासन पक्ष जो देखिए अन्न्य जो कह गले विशेषकर क्षतिग्रस्त हम जो गच्छ पड़ा गच्छ भांगा और विद्युत खुंट उपुड़ा से गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ रही निश्चित भाव जो पवन रही 100 पाखापाखि पवन हम से गच्छ भांग इलेक्ट्रिक खुंट उपुड़ से जिला प्रशासन पक्ष से गोटे प्रस्तुति करते कि गच्छ भांगे कि भाव गच्छ कटा स्थानांतरित एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम बाहिनी पूरापूरी सजग रही वरिष्ठ अधिकारी घन घन समीक्षा करवाद पिनाकी आपंक समस्त सूचना तेज ये तो थी जगत सिंहपुर जिला प्रशासन प्रस्तुति आम भद्रक कथा आलोचना कर भद्रक निश्चित भाव में महावात्या अम्फान प्रभाव पड़ पानीपाग विभाग पक्षर पोस्टकास्ट कर प्रभाव पड़े तो वर्तमान भद्रक जिला प्रशासन प्रस्तुति संपर्क में जानव अधिक तथ्य वर्तमान जोड़ी होती प्रतिनिधि तपन स्वाई तपन जो देखिए कि पानीपाग विभाग जो फोरकास्ट कर पांच जिला महावात्यार निश्चित भाव में प्रभाव पड़े तातर रही भद्रक जानवाक चाहिए कि भद्रक जिला प्रशासन प्रस्तुति किभली तैयारी रही भद्रक जिला प्रशासन विशेष करके आप धामनगर कथ कहतु कि आपतु धामरा कथ यू अंचल एनडीआरएफ ड्राफ्ट टीम अग्निशम विभाग किभली भाव में सजग रही पूरापूरी प्रस्तुति किभली रही स्वागतिका देखंतु ए जो महावात्या अम्फन को दृष्टि रखिक भद्रक जिला प्रशासन पक्षर व्यापक बंदोबस्त कराई गत काली संध्यारु एक इवाकुएट कराई धामरा पंचायत 50 रु ऊर्ध लोक इवाकुएट करदी आम कह जो महावात्या को लेकिन भद्रक जिला प्रशासन पक्षर जो व्यवस्था कर दुईट ओड्राफ टीम अच्छा गोटे बाजदेवपुर अंचल को पठाई और गोटे भद्रक रखाई एवं एनडीआरएफ टीम कथा जी कह जब एनडीआरएफ जो 21 जनिया प्रतिनिधि दल दुईट टीम अच्छे से दुईटर गोटे चांदवाली अंचल को पठाई आउ गोटे धामरा अंचल पठाई धामरा अंचल जो मैंने अच्छा एनडीआरएफ टीम से गत काली सजाग करते माइक द्वारा निजे से अंचल को जाते माइक द्वारा प्रचार कर लोक मान सचेतन कराते जे आपण नित्य व्यवहार जिनस औषधपत्र धरी आपण हूँ स्कूल जो अच्छी जो ये कराई बात्या आश्रयस्थल अच्छे से जगह को चली जावाई कहुत कि दृष्टि रखी चांदवाली तहसिलदार बी डीओ मैंने गत काली सन्धार गोटे इवाकुएट आरंभ करते प्रथम पर्यायर आरंभ करते से सेल्टर होम को लेकिन रखी थे जदि कह आम जो भद्रक जिला प्रशासन कथा जे भद्रक जिला प्रशासन जिलापाल जो अच्छा ज्ञान दास अच्छा सीए घन घन वरिष्ठ अधिकारी मानक नहीं मीटिंग कर दायित्व दिखाई जो धामरा चांदवाली एवं बाजदेवपुर अंचल समस्त दायित्व दिखाई जो मैंने इवाकुएट करमी सुरक्षित भाव रखा आउ गोटे कथ कह जो गृहपात पशु से भेटनरी डिपार्टमेंट को निर्देश दिखाई से कमी इवाकुएट हो पारे से कमी उठाई पार जो धामरा अंचल जो 3 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य जो लोक मैंने अच्छा गृहपात पशु अच्छा से कमी उच्च स्थान को अणा जा पार आउ गोटे कथ कह जो चाषी मानी एक सूचना जो देते जिलापाल देते जो चाषी मान जो वर्षा हम से वर्षा को लक्ष्य रखिकी चाषी मान को कहते शीघ्र से जो जहाँ ये से नहीं आसपाई जो स्वागतिका
निश्चित भाव तपन आउ गोटे क्या जानवाक चाहिए कितने लोक इवाकुएट कर लक्ष्य रखा जा प्रशासन पक्ष किभली तत्परता प्रकाश पाई आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हो कि जो लोक इवाकुएट कर स्थानातर होत्या आश्रयस्थल रखा सोशल डिस्टेंस को किभ गुरुत्व दिजा किभली मेन्टेन करा गोटे चैलेंजेस रपन निश्चय स्वागतिका आपण जो कथा कहते सोशल डिस्टेंस कथा जे देखंतु आपणकर जो चांदवाली और बासदेवपुर ब्लॉकर 22 पंचायत 90 ग्राम को आइडेंटिफाई कर जिला प्रशासन यही जो 90 एकलव्यटी गाँव को आइडेंटिफाई कर एकलव्यटी गाँव प्राय 5,000 लोक इवाकुएट करने योजना कर जिला प्रशासन आम से जो बात्या आश्रयस्थल अच्छी 104 जिले में 104 बात्या आश्रयस्थल अच्छी से 84 बात्या आश्रयस्थल को उपयोग कर आपण जो कहते सोशल डिस्टेंस कथा ये सोशल डिस्टेंस जिला प्रशासन एक गोटे भल पदक्षेप नहीं 558 स्कूल गृह को से आइडेंटिफाई कर 558 गृह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने लोक मान जो इवाकुएट कर रखा जिला प्रशासन जो आम जो कहते 3 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य जो 5,000 लोक जो इवाकुएट करवा कि जिला प्रशासन 160,000 इवाकुएट योजना रखी से भाव से प्रस्तुति आरंभ कर पुलिस क्या कह ये जिला प्रशासन पूरापूरी प्रस्तुति पूरापूरी सजग रही जिला प्रशासन धन्यवाद तपन आप समस्त सूचना महावात्यार मुकाबला नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक केन्द्र गृह मंत्रालय एनडीएमए सहित समीक्षा करिछन्ति प्रधानमंत्री समीक्षा पर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान प्रमुख उपस्थित थे महावात्या सुंदरबन में स्थलभाग छुईबार संभावना अच्छी ओडिशा और पश्चिमबंग में यहार प्रभाव पड़े ओडिशार 6 जिला केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर जाजपुर बालेश्वर भद्रक प्रबल वर्षा सहित पवन होबार संभावना अच्छी एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम विभाग को नियोजित कर सेपटे केन्द्र गृह सचिव बात्या मुकाबला नहीं उभय ओडिशा और पश्चिमबंग मुख्य शासन सचिव सहित आलोचना करिछन्ति पश्चिमबंग को एनडीआरएफ 13 टीम पठा जाइछि स्थिति को देखि 3 सेना सहित तटरक्षी बाहिनी को सजग रखा जाइछि बात्यार मुकाबला सब प्रकार सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबा पई 2 राज्य को परामर्श देइछन्ति केन्द्र गृह सचिव केन्द्ररु जे कोनोसी प्रकार सहायता मागिले तुरंत प्रदान करा जिवो बोली से कहिछन्ति माणि आसुचि महावात्या अंफन यार मुकाबला उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार पक्ष सब् प्रकार व्यवस्था करा संभाव्य बात्या को नहीं उपकूल जिलार लोक सतर्क रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गोटे समय कोरोना और महावात्या विपत्ति आसुथिबारु धैर्य नहराई यार मुकाबला सहित सतर्क रहिबार आवश्यकता रही केन्द्रमंत्री कहते कच्चा घर लोक पक्का घर को जवा सहित सरकार को काम सहयोग करने को अनुरोध कर महाप्रभु श्रीजगन्नाथों कृपार धनजीवन रक्षा पाइब यह मोर विश्वास बोली वीडियो बार्तार केन्द्रमंत्री कहते दिल्ली रे भारत सरकार गृह विभाग एनडीएमए ओडिशा सरकार उभय कथबार्ता कर समन्वय अधिकार तैयारी करके यार क्षण क्षण सूचना रखा जाउची ओडिशा हो पश्चिम बंगाल हो किंबा पड़ोसी बांग्लादेश हो मानविक क्षति न हो या धैर्य सह मुकाबिला करिबा ओडिशा आमर अनुभव अच्छी पूर्व भारत रे संपर्क रे आमर अनुभव अच्छी सामुद्रिक झड़ को यही खरा दिने सामना करिबा आम समस्ते मिसिकी साहस सह या को सामना करिबा एटा निवेदन महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आम उपर रहिबो एटा हमर पूरा विश्वास
अम्फन मुकाबला पई राज्य रे 7600 बात्या आश्रयस्थली प्रस्तुत रहिछि। 11 रु 12 लाख लोकंकु स्थानांतर पई प्रशासन प्रस्तुत थिबा पंचायत राज ओ नगर उन्नयन विभाग मंत्री कहिछन्ती। प्रभावित हेबाकु थिबा 16 सहरांचल रे विज्ञापन होर्डिंग हटा जिवो, विद्युत सरापराह बिचिन हेबार आशंका थिबारु बात्या आश्रयस्थली रे मध्य जेनेरेटर रा व्यवस्था करा जाइछि। एथिसहित पीबा पानी जोगाण पई जेनेरेटर सहित टैंकर जोगे पानी जोगाण व्यवस्था करा जाइथिबा मंत्री कहिछन्ती। आम पंचायतराज विभाग अर्बन डिपार्टमेंट तरफ बात्या सम्मुखीन होगापी संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अच्छा विशेष भाव में पीवा पा ग्रामांचल सहरांचल कमी बात्या समय इलेक्ट्रिक कटअप हो जाए तो किप पीवा पा जोगे दि जा पार से आज आम रिव्यू करूँ जो जो साइक्लोन शेल्टर सेंटर हम बात्या आश्रयस्थली से जो लोक मानू स्थानातरित करी रखा तांकर खाइबा पीवा दायित्व से कथापी आम प्रस्तुत अच्छू। बात्या आश्रयस्थली आम जेनेटर व्यवस्था भी करूँ खाइबा पीवार व्यवस्था करा ओडिशा रे प्राय 7600 बात्या आश्रयस्थली व्यवस्था करा जाइछि। बात्या पई ट्रेन रूट्रे परिवर्तन करा जाइछि। भुवनेश्वर नुआदिल्ली स्वतंत्र ट्रेन रो रूट परिवर्तन करा जाइछि। अनुगुल झारसुगुड़ा राउरकेला एवं टाटा होई भुवनेश्वर नुआदिल्ली ट्रेन चलाचल करिवो। भुवनेश्वर भद्रक बालेश्वर रूट्रे चलाचल करथुबा ट्रेन रूट्रे परिवर्तन करा जाइछि। बात्या अम्फन जोगु रूट्रे एही परिवर्तन होइछि। तबे पुनि थरे आपनको कहि रखुछु जेबे भाबरे बात्या पई ट्रेन रूट्रे परिवर्तन करा जाइछि। भुवनेश्वर नुआदिल्ली स्वतंत्र ट्रेन रो रूट परिवर्तन करा जाइछि। अनुगुल झारसुगुड़ा राउरकेला और टाटा होई भुवनेश्वर नुआदिल्ली ट्रेन चलाचल कर। भुवनेश्वर भद्रक बालेश्वर रूट्रे चलाचल करुवा ट्रेन रूट्रे परिवर्तन करा जाइछि। बात्या अम्फन जोगु एही रूट्रे परिवर्तन होइछि। सेबड़े बात्या अम्फन पई रथ काम बंद। संभाव्य बात्या परिस्थिति को आखिआगे रखी रथ निर्माण काम को दुई दिन पई बंद रखी प्रशासन। पूरी रथखड़ आज एवं काली दुई दिन लगे बंद रथ निर्माण कार्य। महावात्या अम्फन जनित वर्षा पवन को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन एपरी निष्पत्ति। तेबे तापर परिस्थिति को दृष्टि रखी निष्पत्ति जमापड़। वर्तमान समय होइछि गोटे छोट ब्रेक नै जिबा।